सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे भी श्रेष्ठ ऑफ इन्वेस्ट लिमिटेड को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, इस शेयर का जो प्रीवियस क्लोजिंग भाव था वो 1.72 रुपये का था, और अभी के टाइम आप लोग देखोगे जो शेयर है वो 49.71 यानी कि लगभग 50% की गिरावट में हमें दिखाई दे रहा है। 86 रुपये के भाव में आ चुका है, ठीक है। 85 पैसे प्रीवियस से टूट चुका है शेयर। आखिरकार क्यों 101.72 रुपये से स्टॉक आया भाई 86 पैसे पर, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इससे पहले स्टॉक आप लोग देखोगे अपने 52 वीक हाई से कंटिन्यूसली गिर रहा था, और लगभग 33% की गिरावट इस शेयर में हो चुकी थी। तो आप लोग देखोगे एक स्मॉल कैप कंपनी है, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है ये। तो चलिए भी देख लेते हैं आखिरकार इस गिरावट के पीछे का एक्चुअली में रीजन क्या था। इस गिरावट के पीछे रीजन अभी आज की डेट, जी हाँ, 23 तारीख क्यों? क्योंकि कंपनी ने 23 तारीख को देना है स्प्लिट। जी हाँ, स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट क्यों है ना, और जो स्टॉक स्प्लिट कंपनी दे रही है आपको वो दे रही है भाई आई थिंक 2:1 में, ठीक है, 2:1 में। यानी कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो वो एक शेयर आप लोग देखोगे दो शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक के दो टुकड़े हो जाएंगे। जो फेस वैल्यू वो 2 से सीधी 1 रुपये पर आ जाएगी। तो इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोग देखो स्प्लिट हो चुका है। लेकिन जो एक शेयर पहले आपने खरीदा हुआ था वो तो आपके पास है, इसकी जगह पर जो ये स्प्लिट शेयर एक और आना था वो आपका नहीं आया है, जिसको मिलाकर 2 शेयर होने थे ये, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग देखोगे ये फॉल हमें दिखाई दे रहा है अभी इसके अंदर 50% का। तो जैसे ही स्प्लिट शेयर आ जाएगा आपका ये जो गिरावट का जो ये पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है अभी आपके अभी के टाइम, तो ये गिरावट दूर हो जाएगी भाई। तो समझ में आया क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट दिया है भाई, और स्प्लिट दिया 2:1 में, एक के आपके 2 शेयर हो जाएंगे, एक के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक तो पहले से था, लेकिन जो एक शेयर और आना है स्प्लिट वाला वो नहीं आया है भाई। तो अब यहाँ से आप लोग स्प्लिट शेयर कब और कैसे आएंगे, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो हमें करनी पड़े और उसके बाद जो ये स्प्लिट शेयर है वो हमें मिले। तो ये जो ऑटोमेटिक कंपनी है ना भाई, 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना हमें, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। इसके अलावा बाय होल्ड सेल की मैं यहाँ पर कोई राय नहीं देने वाला आपको, क्योंकि भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, आज ये 50% डाउन है। इसलिए आप लोग देखोगे बहुत से निवेशक हैं जिनको नहीं पता, वो परेशान होंगे भाई आखिरकार क्यों टूट गया है शेयर। तो इस वजह से टूटा क्योंकि आज स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट थी, और यहाँ पर RSI MFI भी इसके ठीक ठाक ही है अभी, और जो इंडस्ट्री पी है उससे नीचे में जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहे हैं, ये भी ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक ही है। वैसे PE रेशियो इसका 20-25 के आसपास हो बहुत अच्छा माना जाता है, बट ठीक है अभी तो ये नीचे ट्रेड कर रहे हैं। RSI MFI भी ठीक है, ओवरसोल्ड जोन में ये स्टॉक। तो इसके अलावा अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और पिछले कुछ टाइम से लगातार इसमें वॉल्यूम भी अच्छी आ रही है, और अच्छी वॉल्यूम के साथ स्टॉक नीचे आ रहे हैं, ये यहाँ पर प्रश्नवाचक बना हुआ है, ठीक है। अच्छी वॉल्यूम भी आ रही है लेकिन स्टॉक नीचे आ रहा है ऊपर से, तो यहाँ पर सेलिंग की जा रही है, और सेलिंग कौन कर रहे हैं अभी आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं वो यहाँ पर हमें जो अभी सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो 20 सेप्टेम्बर को, 19 सेप्टेम्बर को, 16 और 13 सेप्टेम्बर को, ठीक है। इससे पहले भी 13 सितंबर को 2 सेलिंग हुई है, 1 खरीदारी हुई है, 11 सितंबर को आप लोग 10 सितंबर को, तो लगातार इसमें सितंबर के मंथ में लगातार सेलिंग होते हुए नजर है ज़्यादातर। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।